ये रोमांच है, यहाँ रोका जाएगा, एक मौका यहाँ चल कर आती है वंशी के आपसी के पास फ्रीकी के लिए, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वंशी के आपसी, क्या उस गोल को वापसी कर अपने मुकाबले में वापसी करेगी क्योंकि बहुत करीब चल कर आए। हेलो, मैं चाहूंगा कि आप लोग दोनों टीमों को खिलाड़ियों का अभिवादन के लिए हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मैं मंच में उपस्थित तमाम अतिथियों से आग्रह करूंगा, भाई हेमंत गाड़ी जी तमाम अतिथियों को खिलाड़ियों से परिचय। और जो भी टीम के कोई भी खिलाड़ी अगर हैट्रिक गोल करते हैं तो उसे हमारे बड़े भाई समाज सेवी हेमंत गाड़ी को उसे 10,000 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। हमारे वार्ड नंबर 35 छठिंडा की ओर से 1100 रुपये का पुरस्कार है। और जो भी खिलाड़ी मैच के दौरान हैट्रिक गोल करते हैं उन्हें हमारे समाज सेवी बड़े भाई हेमंत गाड़ी को उससे 10,000 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। और
एसएस हेहल की ओर से खिलाड़ी नंबर 7 अपने टीम के लिए पहला गोल करते हुए और 1100 रुपया भी अपने नाम करते हुए। No, 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 no.
बनाया अभी भी एक मौका और इसे सिंगल के पास, क्या हो ये दूसरा, लेकिन चूंकि ऑलमोस्ट गोल पोस्ट के करीब से होकर गुजरी है, कहा कि अटैकिंग फॉर्मेशन में नजर आती है इस वक्त विशेष हेहल की टीम काफी खतरा बन रहा था हुआ अच्छी मौका ग्रेट डिलीवरी लेफ्ट विंग के पास मौका बड़ा
और टैकलिंग विदाउट बॉल के लिए यहां बॉल करा दिए जाएंगे, यहां रन टैकल के लिए रोका जाएगा इंसिका एप्सी को। बिल्कुल बॉल पे जाती है ये बॉल, अच्छी क्लियरेंस चल कर आई है अंकिता एक्सी के पास। राजू हांसकर जैसे नंबर 10 और ये रोमांच यहाँ रोका जाएगा, एक मौका यहाँ चल कर आती है व्यंत के आपसी के पास फ्रेकी के लिए, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अंशिका आपसी, क्या उस गोल को वापसी कर अपने मुकाबले में वापसी करेगी क्योंकि बहुत करीब चल कर आए हैं, बरकरार होंगे इनके पास टीम मैनेजर्स पे बहुत भरोसा जताया है क्योंकि बहुत अच्छी बॉल डिलीवरी यहाँ राजू हांसकर ने डिलीवर की थी और उसी का ये नतीजा चल कर आया है फ्रीकिक में तब्दील के लिए। अच्छे से नंबर 13 अंश के आपसी के लिए राजू हांसकर जर्सी नंबर 10 में नजर आए थे लेकिन ऑफ चले टारगेट गोलपोस्ट से कोशिश और गोलकीपर की मैं जितनी काबिलियत की मैं बात करूं उतनी कम होगी क्योंकि इतने कम जाते हैं। कौन है किक फिनिश हेडर फिनिश का इंतजार, और यहाँ खतरा कुछ टाला है लगातार प्रयास यहाँ कर रहा है कि दूसरे गोल पे तब्दील करें एसीसी है लेकिन आसान नहीं होगा वहां बीट कर पाना, बहुत मजबूत रक्षा पट्टी भी इनके पास। और ये बालियां ये निगाहों से अब बच नहीं सकते क्योंकि राजेंद्र कच्छप आज मुख्य रेफरी का रूल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत तंदुरुस्त और बहुत चुस्ती के साथ पूरे झारखंड रेफरी फेडरेशन में इनका नाम रहा है। राव का अच्छा सेव चल के आया, किस्मत का भी मिला है इनके साथ।
हैट्रिक गोल करने वाले खिलाड़ी को 10,000 का पुरस्कार जाएगी वन मैन आर्मी हेमंत गाड़ी के पक्ष से। अच्छी फ्री किक यहां नो मैन्स लैंड। यहां कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी कभी नजर आती है। हाथ फेंके ये मौका क्या अंशिका वापसी करेगी लेकिन राज राव वहां तैनात नजर आए हैं। और ये वार्निंग नजर आता हुआ सरस्वती हिल के खिलाड़ी को बिल्कुल वार्न क्योंकि अनवांटेड ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते क्योंकि यह हाई टेम्परमेंट मुकाबला चल कर आता हुआ। लेकिन यहाँ परिवर्तन फ्रेकिंग के लिए बीट करना चाहते थे बॉल को लेकिन बहुत मजबूत बॉल इनसे एप्सी का और ये अनवांटेड एक्टिविटी का ये नतीजा चलकर आएगा। चैप चप क्या कहना नियते गुना बरकते होता है और अनवांटेड काम करते हैं तो ऐसे वो निकल कर आता है। बहुत अच्छा बॉल लेके आए बहुत इजी कलेक्शन राज विराव के लिए क्योंकि काबिल है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने खतरा से निकाला है और इसी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम करी है सना समिति हेल की टीम 100 के साथ इस मुकाबले को अपने नाम करी है और अभिलाना चौक